और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में फिर शुरू हुआ बिजली संकट। दीपावली के बाद फिर से अघोषित बिजली कटौती शुरू हो गई है। प्रदेश के बड़े शहरों और जिलों में करीब 3 से 4 घंटे की घोषित कटौती। तो रबी सीजन के चलते बिजली की डिमांड बढ़ गई है और 14,000 मेगावाट के आसपास बिजली की डिमांड पहुंची है। डिमांड और सप्लाई में 2500 से 3000 मेगावाट की कमी है। ऐसे में पीक समय में ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में बिजली काटी जा रही है, तो बिजली सप्लाई अब एक बार फिर से प्रभावित हुई है और कई ऐसी जगह जहां पर बिजली संकट शुरू हो गया है। प्रदेश भर में इस तरह की स्थिति नजर आ रही है। दीपावली के बाद ये बिजली कटौती प्रदेश के बड़े शहरों और जिलों में करीब 3 से 4 घंटे की ये कटौती है। ये कहा जा रहा है कि रबी सीजन के चलते डिमांड बिजली की बढ़ी है और ये जो डिमांड है वो 14,000 मेगावाट के आसपास पहुंची और इसी वजह से कमी की जा रही है, कटौती की जा रही है। विकास हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी 3 से 4 घंटे की कटौती और अब ये कटौती कब तक चलेगी? अब बिल्कुल देखिए, त्योहारी सीजन खत्म हो चुका है। त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद में एक बार फिर यहाँ पर इंडस्ट्रियां अपने फुल लोड पर चल रही है। वहीं दूसरी ओर रबी सीजन के अंदर किसानों की बिजली की जो डिमांड है वो भी अचानक बढ़ गई है। तो ऐसे में राजस्थान की बात करें तो बिजली का लोड जो है 14,000 के आसपास पहुंच गया और इसी को देखते हुए जो बिजली का गणित है वो गड़बड़ा गया है। जो पीक आवर्स बात करें शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, उसमें बिजली कंपनियों को कटौती करनी पड़ रही है। ग्रामीण इलाकों से लेकर के शहरी इलाकों तक में 2 से 4 घंटे की बिजली कटौती करनी पड़ रही है। उसके अलावा और जो ब्लॉक है, जिन ब्लॉकों में बिजली का संकट है, जिन ब्लॉकों के अंदर एक्सटेंड से बिजली नहीं मिल पा रही है, उसमें बिजली कटौती करना मजबूरी हो गया। हालांकि लोड मैनेजमेंट के लिए डिस्कॉम प्रशासन पूरी तरह प्रयासरत है, लेकिन फिर भी जिस तरह से एकाएक लोड बढ़ा है उसको देखते हुए बिजली का मैनेजमेंट करना काफी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास पूरी जानकारी के लिए।